हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 6 1 विद गिव एंड टेक। अभी आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 89। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा एंड सोनू आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा सेड 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। सोनू, कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। तो निशा और सोनू दोनों स्टोरी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। निशा इन्फॉर्मेशन देती है कि क्लास में 13 बॉयज़ और 14 गर्ल्स हैं, और सोनू को कहती है क्या वो उसके ऊपर प्रॉब्लम बना सकता है। तो देखो नीचे सोनू लिखता है, सोनू रॉट, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। क्लास में 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हैं, टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से सोनू ने स्टोरी प्रॉब्लम बना दिया। यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड्स। लुक एट ईच पिक्चर एंड द वर्ड्स नेक्स्ट टू इट, राइट योर प्रॉब्लम बिलो इट। नीचे हमको पिक्चर दी होगी और उसके साथ हमको कुछ वर्ड्स भी दिए होंगे। देखो ए में लिखा है, 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न। ओके, तो अभी इसका आंसर हम नीचे लिखेंगे। सी, 36 men and 52 women waiting for their turn. How many people are waiting? 36 men और 52 women wait कर रहे हैं अपनी turn के लिए। तो हम question कर सकते हैं कि total कितने लोग wait कर रहे हैं। Okay? Now open page number 90. Question B. We have our midday meal in 20 minutes and play for 15 minutes. अब नीचे कुछ बच्चों की picture दी गई है और क्या लिखा है कि उनका जो मिड डे मील होता है वो 20 मिनट्स में होता है और वो 15 मिनट्स तक खेलते हैं। तो इसका स्टोरी प्रॉब्लम बनाएंगे। सी, वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। व्हाट इज द टोटल टाइम वी स्पेंड ऑन हैविंग अवर मिड डे मील एंड प्लेइंग। तो स्टोरी प्रॉब्लम इस तरह से बनेगा कि उनको मिड डे मील करने में 20 मिनट्स लगते हैं और खेलने में 15 मिनट्स, तो टोटल टाइम उनको कितना लगता है दोनों चीजें करने में। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद सोम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो शाहिद के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है, और स्कूल से जो पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर्स। तो इसका स्टोरी प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। सी, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद सोम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। हाउ फार इज शाहिद होम फ्रॉम हिज स्कूल। जो पोस्ट ऑफिस है वो 1 किलोमीटर है शाहिद के घर से और 2 किलोमीटर्स है स्कूल से, तो शाहिद का घर स्कूल से कितना दूर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी, बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स। बंटी ने 27 बुक्स रीड किए हैं और बबली ने 34 बुक्स रीड किए हैं। तो उसका स्टोरी प्रॉब्लम हम बनाएंगे। बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स। How many more books has Bubbly read than Bunty? Bunty ने 27 books read किए और Bubbly ने 34 books read किए, तो कितने ज्यादा books Bubbly ने read किए compared to Bunty? Okay? तो इस तरह से हमको सिर्फ story problems बनाने हैं from the information. Okay?